बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज आप इस वीडियो में देखेंगे बेबी फ्रॉक का बहुत अच्छा डिज़ाइन। बनाना शुरू करते हैं। ये जो मेरे पास नॉप वाली फ्रॉक है 20 इंच, इसकी नीचे से लेंथ है। अम्ब्रेला फ्रॉक मैं बनाऊंगी और 27 इंच मैंने लेंथ रखी है टोटल। इसे ज़्यादा इसलिए रखा है मैंने क्योंकि जो नाप वाली कमीज है उससे मैंने लंबा रखना है। अब जितनी एक साइड उतारी है उतनी ही दूसरी साइड रखनी है और कपड़े को डबल कर लेना है। अब ये जिसकी ऊपर वाली कॉर्नर है इधर से कपड़े को फोल्ड करना है इस तरह से। ये साइड इसकी ऊपर वाली है और वो नीचे वाली होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब ये जिसकी एक कॉर्नर है 25 से 26 इंच है, दरमियान से मैंने फोल्ड किया है इसे और निशान लगा लिया है। अब ये जो दरमियान में निशान लगाया है इस निशान के हिसाब से काट लिया है इसे। अब ऊपर से काट लेना है, जितना तैयार खुला चाहिए उससे एक इंच कम रखकर काटना है। तैयार मुझे 14 इंच चाहिए, उससे एक इंच कम रखा है। कम इसलिए रखा है क्योंकि ये अरेबी कपड़ा है तो कटिंग के बाद खुल जाएगा। ऊपर से अब इसकी बॉडी तैयार कर लेनी है। एक साइड लंबी 12 इंच है, आप कम कर सकते हैं, अपने नाप के हिसाब से ले सकते हैं। डबल कपड़ा है, दरमियान से फोल्ड करना है इसे और ऊपर से तीरे की कटिंग कर लूँगी मैं। एक साइड खुली इसकी 7 इंच है, कपड़ा ये डबल है। 5.5 इंच पर रखकर ऊपर से निशान लगा लिया है। 5.5 इंच पर रखकर तीरे का निशान लगा लिया है। ऊपर से कटिंग कर देनी है। कमीज की फ्रंट साइड का तीरा काट लूंगी मैं। बैक साइड का जो गला है 2.25 इंच खुला रखा है मैंने और इतनी ही लेंथ रखनी है। अब ये जो इसकी नीचे वाली साइड है दरमियान से 3 इंच का कट लगा लिया है। अब मैं फ्रंट साइड का डिज़ाइन तैयार कर लूँगी और ये जो अलग से कपड़ा है 10 इंच पर ये मैंने कपड़ा कट कर लिया है। अब इसके अंदर से मैं ऊपर से कटिंग कर लूँगी। दरमियान में इसका निशान लगाना है 12 सेंटीमीटर पर और जो इसकी साइड से निशान है वो 4 इंच पर लगाया है। दरमियान से गला छोड़ते हुए 4 इंच लंबा मैं गला रखूंगी। अब इसे नीचे तक गुलाई में काट लेना है निशान लगाकर। ये जो निशान है आप चाहें तो दोनों तरफ लगा सकते हैं। अब इसे कट कर लेंगे निशान के हिसाब से। ये जो एक साइड से मैंने कटिंग की है कंधे की, आप चाहें तो ना करें, जैसा ये कपड़ा कट किया है वैसा ही डबल कपड़ा लेना है। और जो अंदर से गला है उसे कट नहीं करना। अब इसके कंधे की साइड पर और नीचे की तरफ सिलाई लगा लेनी है और मैं सीधा कर लूंगी इसे।
जितना गला खुला और लंबा रखना है इस तरफ निशान लगा लेना है और उसके ऊपर रख कर मैंने सिलाई लगा लूँगी। अंदर से एक्स्ट्रा कपड़ा काट देना है, दरमियान में एक कट लगाया है और इसे सीधा कर लेना है। ऊपर से डिज़ाइन तैयार हो गया है। अब ये जो इसकी कॉर्नर है इधर मैं डोरियां बना कर लगाऊंगी। अलग से कपड़ा लेना है, उसको दरमियान से फोल्ड करके उसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है। और ये अरेबी कपड़ा है, नीडल के साथ मैं इसे सीधा कर लूँगी। नीडल की उल्टी साइड डालनी है मगजी के अंदर और धागा डबल लेना है। अगर सिंगल लेंगे तो जब हम इस तरह खींचेंगे धागे को अपनी तरफ तो धागा टूट जाएगा। अब डोरियों की जो नीचे वाली साइड है इधर मैं लटकन तैयार कर लगा लूँगी। 5 इंच ये कपड़ा चौड़ाई में है और 5 इंच ही खुला है, दरमियान से इसे फोल्ड किया है और कॉर्नर में तनी को रखना है, दोनों साइडों से फोल्ड करना है और प्लेट डाल लेने हैं। आप चाहें तो ये सिलाई मशीन के साथ लगा लें या फिर नीडल के साथ लगा सकते हैं। ये सिलाई अच्छी तरह से डबल करके लगानी है और अब इसे सीधा कर लिया है मैंने, ये कुछ इस तरह से है। दूसरा अब मैं इसे छोटा बनाऊंगी। जो कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड किया है इसे ज़्यादा लेना है, इसके ऊपर मैं सिलाई लगा लूँगी। अगर आप सिलाई लगाना चाहते हैं तो सिलाई लगा सकते हैं, इजीली सिलाई लग जाएगी। सिलाई को अच्छी तरह से डबल करके लगाना है। सीधा होने के बाद ये वाला कुछ इस तरह से है। इसी तरह से मैंने 3 तैयार किए हैं, आप चाहें तो 4 कर सकते हैं या फिर 2 कर लें। अब ये जो सिलाई लगेगी इसके अंदर रखना है इसे कॉर्नर में। ऊपर से जो इसके कंधे की सिलाई है उसे मैंने नहीं लगाया, अब बैक साइड अटैच कर लूँगी इसके साथ। अलग से कपड़ा उतना लेंथ में लेना है जितना इसका दरमियान वाला कट है, उससे ज़्यादा लेना है। इसके ऊपर सिलाई लगा लेनी है और ये जो मगजी है आप चाहे तो दोनों तरफ डोरियाँ रख सकते हैं। इनको अंदर की साइड में रखकर सिलाई लगा ली है। अब कपड़ा कट कर लिया है एक्स्ट्रा अंदर से, साइडों से गोल कर सकते हैं आप। अंदर की तरफ फोल्ड करके अब सिलाई लगेगी। सीधा होने के बाद ये कुछ इस तरह से है। अब आप चाहें तो इसके अंदर की तरफ हैंड स्टिच कर सकते हैं। अब इसे अंदर की तरफ फोल्ड करना है और सिलाई लगा लेनी है। अब जो मैंने नीचे की साइड में अम्ब्रेला कट की थी उसे अटैच कर लूँगी। और जब ये सिलाई लगानी है ना ऊपर वाली साइड को अपनी तरफ खींचना है ना ही नीचे वाली साइड को। अब मैं इसके नीचे वाला डिज़ाइन तैयार कर लूँगी। 3 पीसेस कट करूँगी मैं, ये 5 इंच का 1 पीस है, आप चाहे तो 4 कर सकते हैं, लेकिन ये जो मेरे पास कपड़ा है ये चौड़ाई में ज़्यादा है। अब इधर सिलाई लगा कर तीनों को अटैच कर लेना है।
दोनों तरफ को अंदर की तरफ फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है ऊपर। और ये कपड़ा गुलाई में है। अब इसकी एक साइड में मैं सिलाई लगाऊंगी, ऊपर से किनारा छोड़ते हुए सिलाई लगानी है और एक धागे को पकड़ के खींच लेना है ताकि ये प्लेट डल जाए। नीचे वाले धागे को खींचना है और इसी तरह करते हुए सारे कपड़े के ऊपर मैं प्लेट डाल लूँगी। जितना अम्ब्रेला का नीचे से गियर है ये पीस उतना डबल लेना है, क्योंकि बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों में लगना है ये पीस। अब आप चाहें तो पहले बाजू अटैच कर सकते हैं, अगर आपने बाजू नहीं लगाने तो मगजी लगा लें। अब इसकी फिटिंग के सिलाई के अंदर मैं तनिया बनाकर रखूंगी, इसके साइडों पर सिलाई लगा लेनी है और किसी बारीक चीज़ के साथ इसे सीधा कर लिया है। अब फिटिंग की सिलाई के अंदर इसे रखना है और नीचे तक दोनों तरफ सिलाई लगा ली है। अब फ्रॉक को सीधा करना है और जो सिलाई पहले लगाई थी प्लेटों के लिए उसी के ऊपर रखकर दूसरी सिलाई लगा लेनी है। ऊपर की साइड से जो कपड़ा है उसे सीधा रखना है ऊपर की तरफ। नीचे से कपड़ा अटैच हो गया है, ऊपर से मैं इसके बाजू तैयार कर लूंगी। कंधा बाजू का मुझे 6 इंच तैयार चाहिए, 1 इंच मैं ज़्यादा लूँगी। दरमियान से अब मैंने इसे फोल्ड किया है और ऊपर से बाजू की कटिंग कर दूँगी। अब इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेनी है और नीचे की तरफ जैसे फ्रॉक के नीचे हमने प्लेट डालकर कपड़ा लगाया है वैसे ही मैं बाजुओं के नीचे लगा लूँगी। गले के अंदर से हाथ डालते हुए फिटिंग की सिलाई के साथ बाजुओं की सिलाई को मिलाना है और गुलाई में रखकर सिलाई लगा ली है। बाजू खुला ज़्यादा इसलिए रखा था क्योंकि वो इसके ऊपर मैंने प्लेट डाले हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें। इसके पीछे मैं बटन लगा लूँगी।